आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। यूपी में तीसरे राउंड की 59 सीटों पर वोटिंग जारी, मैदान में अखिलेश सहित 627 प्रत्याशी। पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी, परगट सिंह और भगवंत मान ने डाला वोट। पीएम मोदी ने की लोगों से अपील, पंजाब और यूपी के मतदान में बढ़ चढ़ कर करें वोट। पीएम मोदी की उन्नाव में आज चुनावी जनसभा, बीजेपी प्रत्याशी अनिल सिंह के समर्थन में करेंगे जनसभा। सीएम योगी डखेरवा में जनसभा को करेंगे संबोधित, गोला में भी करेंगे चुनावी जनसभा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो समय हो गया है इस वक्त की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का, जहां यूपी में आज तीसरे चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है। इस चरण के लिए कुल वोटरों की संख्या 2.15 करोड़ है। वहीं 59 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए कुल 627 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वहीं एक तरफ जहां तीसरे चरण के तहत आज वोटिंग हो रही है, वहीं सभी पार्टियां चौथे चरण के प्रचार प्रसार में अब जुट गई हैं। कल रात 8 बजे से ही अगले 4 चरणों की चुनावी रणनीति पर मंथन करने के लिए भाजपा मुख्यालय पर एक बड़ी बैठक भी हुई थी। वहीं आज भी कई नेता जनसभा कर लोगों तक अपनी पार्टी का उद्देश्य पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी कड़ी में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी में 3 जनसभाएं करेंगे। वह इस दौरान कई पार्टी के दिग्गज नेता चुनावी प्रचार के माध्यम से जनता को लुभाने की भी कोशिश करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के तहत वोटिंग जारी है। कुल 59 सीटों पर प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। तीसरे चरण में 2.15 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तीसरे चरण में हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फरुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया और कानपुर देहात समेत कई जिलों में मतदान जारी है। पीएम मोदी और सीएम योगी ने इस दौरान मतदाताओं से अपील की है। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने भी सपा संरक्षक मुलायम सिंह से आशीर्वाद लिया और वोट डाला है। तो आपको बता दें कि कुल तीसरे चरण का जो मतदान है वो शुरू हो गया है। इस दौरान तीसरे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा, जिसमें करहल से अखिलेश यादव और करहल से ही भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल की भी आज किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो आपको बता दें कि तीसरे चरण का जो मतदान है वो शाम 6 बजे तक चलेगा, जिसको लेकर लगातार जनता अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट दे रही है। आपको बता दें कि तीसरे राउंड की 59 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आज करीब 2.14 करोड़ मतदाता 117 सीटों पर किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि 1304 प्रत्याशियों के भाग्य का भी फैसला आज जनता करेगी, जबकि मतों की गिनती 10 मार्च को होगी। इस चुनाव में पंजाब के कई चर्चित चेहरों की चुनावी किस्मत दांव पर लगी हुई है। इन चेहरों में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा भगवंत मान, कांग्रेस पंजाब इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू समेत पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल आदि प्रमुख चेहरे शामिल हैं। तो आपको बता दें कि आज यूपी में जहां तीसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं, वहीं पंजाब में भी आज मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा और ये मतदान सुबह 8 बजे से चालू हो चुका है। इस दौरान कई बड़े नेताओं की जो चुनावी किस्मत का फैसला होगा और सभी दिग्गजों का जो किस्मत है वो ईवीएम में इस दौरान कैद होगा। तो आपको बता दें कि पंजाब में 117 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है और सुरक्षा के भी सभी इंतजाम पुख्ता है, जिससे चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके।
खबर बदायूं से है, जहां पर दूसरे चरण में 14 तारीख को मतदान हुआ था। सहसवान विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी डीके भारद्वाज ने मतदान में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बसपा प्रत्याशी उनके सहयोगियों की ओर से फर्जी आधार कार्ड बनाकर हजारों की संख्या में फर्जी मतदान कराया गया है। वहीं भाजपा प्रत्याशी डीके भारद्वाज ने जिला निर्वाचन अधिकारी बदायूं को एक ज्ञापन भी सौंपा है और जांच करके कार्रवाई करने की मांग की है और दो अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसी दौरान इस खबर पर हमारे बदायूं से हमारे संवाददाता ने इस खबर पर जायजा लिया, तो चलिए आपको सुनाते हैं कि हमारे संवाददाता ने इस दौरान क्या कुछ जायजे में अपनी एक रिपोर्ट पेश की है। 113 विधानसभा सहसवान में 14 तारीख को सुबह जब मतदान हो रहा था, सूचना मिली कि इस्लामनगर में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का भाई और उसके सहयोगी वहाँ पर फर्जी आधार कार्ड बनवा रहे थे। लिस्टें उनके पास थी, उनके पास पूरा उपकरण था, पूरा उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के तहत फर्जी आधार कार्ड बनवाए और बनवाने के बाद उस पर वोटिंग करवा रहे थे। इसकी जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने इस पर दबिश डाली, कुछ लोग उस दिन गिरफ्तार किए गए। 18 तारीख को कल सिरतौल में भी एक उपकरण मिले हैं जिससे फर्जी आधार कार्ड लेमिनेशन का बनाने की मशीन मिली, उसको भी कल बिलसी पुलिस ने पकड़ा है। उनके खिलाफ मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त को इसकी शिकायत कर दी है और जिला निर्वाचन अधिकारी को भी इसकी शिकायत की गई है। इसी थाना बिलसी में ग्राम सरतौल की एक सूचना ये पुलिस को प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर दो व्यक्ति एक दुकान पर फर्जी आधार कार्ड और अन्य प्रमाण पत्र बना रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा अपनी टीम लगाई गई, जिसमें SHO बिलसी और सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र के द्वारा वहाँ घेराबंदी करके इन दो लोगों को पकड़ा गया मौके से, और इनके पास एक लैपटॉप और प्रिंटर और इसके साथ साथ ग्लास पेपर और 11 अदद फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। अमेठी के फुर्सतगंज थाना क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है। दिव्यांग को जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे का नारा भी चलाना भारी पड़ा है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर मौजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिव्यांग की दुकान में घुसकर उनसे मारपीट भी की है। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद को शांत कराया, जिस पर पीड़ित दिव्यांग संदीप कुमार ने थाने पर पहुंचकर तहरीर भी दर्ज कराई है। फतेहपुर में चौथे चरण में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर औंग पुलिस ने चुनावी कार्रवाई की है, जिसमें क्षेत्र के असलहा धारक, हिस्ट्री शीटरों और 1200 लोगों को चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं होने के चलते कार्रवाई करते हुए पाबंद किया गया है। गांव में लगभग 200 असलहा थाने में जमा हो चुके हैं और 5 लोगों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी की गई है। तो आपको बता दें कि फतेहपुर में चौथे चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने अभियुक्तों को गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार भी किया है। तो गांव में लगभग अब तक 200 असलहा थाने में पुलिस द्वारा जमा किए जा चुके हैं ताकि जनपद में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। बस्ती के करनपुर गांव में लड़की को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। परिजनों ने लड़की का शव मुंडेरवा मार्ग पर घंटों रखकर रास्ता जाम करने के बाद जमकर प्रदर्शन किया। रोड पर जाम की सूचना पर SSP समेत बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची थी और कार्रवाई के आश्वासन के बाद शव को रास्ते से हटाया गया। 3 लोगों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि पुलिस ने शव को मूड़ घाट के लिए भी भिजवाया है, जहां पर उसका अंतिम संस्कार किया गया। जी सर बताएं सर। ये करनपुर गांव में एक लड़की जो जल के मरी है, इसके संबंध में अभियोग दर्ज है। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं।
इनके परिजनों ने आज कुछ और मांगे रखी हैं, उस पर हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और जो भी न्यायोचित मांग उनकी होगी उसको शीघ्र पूरा करेंगे। आज सर क्या क्या कार्रवाई हुई है, आपने आश्वासन दिया? अभी इनकी डिमांड है कि इनकी एक बाउंड्री बनाने की और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की और इसमें सही धाराएं लगाने की बात इन्होंने की है, तो हम लोग नियमानुसार जो भी संभव होगा। आपका आज जो आपने सड़क जाम किया है, हमारा मांग है कि हमारी बाउंड्री कराया जाए, हमको न्याय और उसकी गिरफ्तारी, उसको जेल भेजा जाए, सजा मिले, कोर्ट से भी निवेदन है कि उसको सजा मिले, उसका बैल नहीं होना चाहिए। तीन से चार। आपका ये जमीन का जो है मामला कितने दिन से चल रहा था सर? 308 लगना चाहिए। जमीन का मामला आपका कितने दिनों से लंबित चल रहा था? 2014 से और 2000 शंकर ने कहा कि चीन द्वारा सीमा समझौते का उल्लंघन करने के बाद उसके साथ भारत के संबंध बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। जयशंकर ने रेखांकित किया है कि सीमा की स्थिति संबंधों की स्थिति का निर्धारण करेगी। विदेश मंत्री ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2022 परिचर्चा को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत को चीन के साथ एक समस्या है और समस्या ये है कि 1975 से 45 साल तक सीमा पर शांति रही, स्थिर सीमा प्रबंधक रहा और सैनिक हताहत नहीं हुआ। तो आपको बता दें कि चीन ने समझौते का उल्लंघन किया है, ऐसा आरोप भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने लगाया है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि 1975 से 45 साल तक सीमा पर शांति रही और कोई भी विवाद नहीं हुआ। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजधानी से लेकर हर तहसील तक जनता की समस्या से राजनीति